Hello everyone, please subscribe my channel The Good Times with Soumya and click the bell icon to get my latest video. Hello friends, welcome back to my channel. मैं सौम्या, कैसे हैं आप लोग सब? आज मैं बनाने वाली हूँ आप लोग के लिए कीटो चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा, एक लो कार्ब चीज़ पिज़्ज़ा रेसिपी है, मैं बनाने की कोशिश की हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। चलिए ले लेते हैं 2 टीस्पून ईस्ट, उसमें मिला देती हूँ मैं ल्यूक वार्म वाटर। उसके बाद मिला रही हूँ मैं इसमें 1/2 टीस्पून हनी मिला के, उसको 15 मिनट्स के लिए साइड में रख लेंगे। मैं इसमें यहाँ पे अभी हनी मिला रही हूँ इसलिए कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हनी मिला रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हनी जो शुगर के साथ ईस्ट रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ जितने भी शुगर एंड कार्ब्स हैं वो कंज्यूम बाय ईस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लो कार्ब चीज़ यूज़ कर रहे हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो उसमें भी इतना कुछ नहीं रहेगा, कार्बोनेट का उसमें बहुत ही कम हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लो कार्ब कीटो आटा यूज़ किया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख के ऑर्डर कर सकते हैं अमेजन से। तो मैंने यहाँ पे 1 कप ऑफ अल्ट्रा लो कार्ब आटा लिया है, उसमें मैं डालने सॉल्ट मिला के रखती हूँ। चलिए मीन वाइल मैं बना लेती हूँ पिज़्ज़ा सॉस। मैंने यहाँ पे लिया है 4-5 टमाटर, लहसुन एंड पेपर एंड थोड़ा सा सीजनिंग के लिए चिली फ्लेक्स एंड जो पिज़्ज़ा सीजनिंग मैंने यूज़ किया है। तो चलिए ले लेते हैं मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून सेसमी सीड ऑयल। इसमें मैं डालने वाली हूँ अभी चॉप्ड गार्लिक क्लॉव्स, डाल के उसको थोड़ा टाइम के लिए फ्राई कर लेते हैं। गार्लिक फ्राई होने के बाद चलिए इसमें डाल देते हैं चॉप्ड टमेटोस, डाल के उसको थोड़ा टाइम के लिए फ्राई कर लेते हैं। फिर मैं इसमें डालने वाली हूँ सॉल्ट, अपने हिसाब से सॉल्ट डालिए, सॉल्ट एज पर टेस्ट, दाल को मिला देंगे। फिर इसमें मैं डालने वाली हूँ अभी पिंच ऑफ स्टीविया स्वीटनर, थोड़ा सा डालने वाली हूँ थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए, डाल के उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। चलिए अभी मिला देते हैं पेपर, चिली फ्लेक्स और एक रोजमेरी सीजनिंग, डाल के उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। चलिए थोड़ी टाइम के लिए टमाटर उसको अच्छी तरह से पकने देते हैं, जैसे कि पूरा अच्छी तरह से मिल जाए। साइड में चलिए अभी डो रेडी कर लेते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे तो लो कार्ब आटा ले लिया है, अगर आपको लो कार्ब आटा नहीं चाहिए आप सेम 1 कप आप ले सकते हैं मैदा, नहीं तो व्हीट लेके भी बना सकते हैं। तो अभी डाल देते हैं इसमें फर्मेंटेड ईस्ट, डाल के उसको अच्छी तरह से मिला देंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसमें थोड़ा सा वार्म वाटर डाल के अच्छी तरह से उसको डो बना लेंगे। देखिए अभी डो बन के अभी तैयार है। अभी इसमें हम लोग 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल मिला देंगे, मिला के उसको अच्छी तरह से डो रेडी कर देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देखिए डो बन के तैयार है, अभी इसको ढक देंगे। मैंने यहाँ पे क्लिंग फिल लेके उसको अच्छी तरह से रैप कर दिया है। आपके पास अगर नहीं है, आप नॉर्मली प्लेट से ढक के उसको एक वार्म प्लेस में 2 घंटे के लिए रख लीजिए। मैंने माइक्रोवेव में 1 घंटे के लिए रखा था। देखिए पिज़्ज़ा सॉस का मिक्सचर बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे तो ग्रीन चिली डाला है क्योंकि मेरे को थोड़ा स्पाइसी चाहिए, उसको थोड़ा टाइम के लिए ठंडा करके फिर ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए आफ्टर 1 आवर डो कितने अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। चलिए अभी डो को नीड कर देते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोर डाली हूँ, मैंने यहाँ पे सेम आटा यूज़ किया है। फिर उसके बाद डाल के मैं अच्छी तरह से उसको नीड कर लूँगी। जितने अच्छी तरह से आप नीड करेंगे उतनी अच्छी तरह से पिज़्ज़ा बेस रेडी होगा। ये और लो कार्ब आटा थोड़ा सा स्टिकी होते हैं, तो इसी आप थोड़ा सा फ्लोर दे के उसको अच्छी तरह से उसको नीड कीजिए। देखिए अभी आपका डो बन के तैयार है। मैं उसको अभी 1/3 पोर्शन में कट करके 10 मिनट्स के लिए रेस्ट कर लूँगी। 10 मिनट्स के बाद हम इसको गोला बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे 10 मिनट्स के बाद बिग डो का जो पोर्शन है उसका रोल करके मैं एक बिग चपाती टाइप बेस बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं इसलिए आप 2 बेस बनाएंगे। जब भी आप पिज़्ज़ा बेस बनाइए, याद रखिए आप पतला ही बनाइए, ज़्यादा मोटा मत रखिए। ज़्यादा मोटा रखेंगे तो क्या होता है ना, वो थोड़ा कच्चा रह जाता है और खाने का टाइम अच्छा नहीं लगता है। तो आप जितना पतला रखेंगे उतना अच्छा है।
तो अभी ये देखिए कितने अच्छी तरह से बड़ा वाला बेस बन के तैयार है। तो अभी मैं इसको बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। उससे पहले मैं बेकिंग ट्रे में एल्युमिनियम फॉइल ऑलरेडी लगा के रखी हूँ, तो मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे में ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग चीज़ ब्रश पिज्ज़ा बना रहे हैं, तो ये पहला वाला बेस है। तो इसमें मैं अभी मैं प्रिक कर लूँगी बाय यूजिंग फोर्क, क्योंकि हम लोग ये प्रिक करने से क्या होता है ना, ज़्यादा नहीं फूलता है। तो आप ऐसे ही एक फोर्क लेके आप अच्छी तरह से उसको प्रिक कर लीजिए। चलिए अब स्मॉल पोर्शन वाला डो का चपाती बना लेते हैं। देखिए कितना, थोड़ा सा छोटा साइज का बनाइए, याद रखिए जब भी बनाइए थोड़ा छोटा साइज़ का बनाइए कंपेयर टू मेन बेस पिज़्ज़ा से। तो देखिए इसको अभी मैं थोड़ा टाइम के लिए तवा में कुक कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम में। थोड़ा सा कुक होना चाहिए नहीं तो ये कच्चा रह जाता है। थोड़ा सा कुक करके इसको कूल डाउन करके रख लेंगे। देखिए अभी बड़ा बेस पिज़्ज़ा बेस जो हम लोग बनाए थे, अभी इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ चीज़ स्प्रेड डालिए, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चीज़ ब्रश्ड पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो हम लोग ज़्यादा चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले चीज़ स्प्रेड डाल रही हूँ, फिर उसके ऊपर मैं डालूँगी चीज़ स्लाइसेस और चीज़ ग्रेटेड चीज़ भी आप डाल सकते हैं, ग्रेटेड मोज़रेला चीज़। मैंने यहाँ पे चीज़ स्प्रेड एंड चीज़ स्लाइसेस यूज़ किया है। देखिए अभी मैं डालने वाली हूँ 4 पीसेस ऑफ चीज़ स्लाइसेस। अच्छी तरह से डाल के इसको सेट कर देंगे। चलिए अभी चीज़ के ऊपर डाल देते हैं हाफ कुक्ड बेस जो हम लोग बनाए थे, इसलिए मैंने छोटा रखा था क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा, देखिए नीचे वाला जो बेस है उसको हम फोल्ड करेंगे, क्योंकि चीज़ अंदर से जब मेल्ट होगा बाहर नहीं आए। सील द एजेस प्रॉपरली, अच्छी तरह से उसको सील कर दीजिए, जैसे कि चीज़ जब मेल्ट हुए बाहर नहीं आए। तो इसीलिए ऊपर का पोर्शन मैंने शॉर्ट रखा था। तो जब आप बनाए ये चीज़ याद रखिए। चलिए एक फोर्क के सहारे हम लोग इसको प्रिक कर लेते हैं, जैसे कि अच्छी तरह से सिलाई कर दे रहे हैं हम लोग, सील कर दे रहे हैं जैसे कि चीज़ बाहर नहीं आए। देखिए हम लोग यहाँ पे चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं। तो देखिए आपका कितने अच्छी तरह से अभी पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो गया है। तो अभी हम इसमें ऊपर में हम लोग अभी पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। मैंने यहाँ पे कीटो पिज़्ज़ा सॉस बनाया है, आपको दिखाया था कैसे बनाया मैंने। तो अभी हम लोग पिज़्ज़ा सॉस लगा लेते हैं। जो सॉस बना था हम लोग अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए थे, तो अभी ग्राइंड करने के बाद ये सॉस बन के तैयार है था। तो अभी हम लोग ऊपर में पिज़्ज़ा सॉस डाल देंगे, उसके ऊपर मैं डाल दूंगी अभी ग्रेटेड मोजरेला चीज़। आप अपने हिसाब से बहुत सारे चीज़ डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग चीज़ बस पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आप बहुत सारे चीज़ डाल सकते हैं। फिर अभी ऐड करूँगी मैं टमाटोज, अनियन, पनीर एंड ऑलिव्स। पहले मैंने टमाटर अच्छी तरह से रख लिया है, फिर उसमें ऊपर मैं अच्छी तरह से अनियंस दे दूंगी, फिर थोड़ा सा पनीर एंड मैं ऑलिव्स डाल दूंगी। आपके हिसाब से, आप अपने हिसाब से कोई भी टॉपिंग्स डाल सकते हैं। चलिए अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड पिज़्ज़ा सीजनिंग। नॉर्मली लोग बाद में यूज़ करते हैं, मैंने अभी थोड़ा सा यूज़ कर लिया है, बाद में मैं फिर से यूज़ करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए चीज़ के साथ आएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स एंड पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल के उसके ऊपर बहुत सारे मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से चीज़ डालिए, आपको अगर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए उस हिसाब से डालिए। चलिए अभी थोड़ा सा मिल्क ले लेते हैं। मिल्क लेके उसको हम एजेस में थोड़ा सा ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि एजेस थोड़ा सा ड्राई होने का चांसेस रहते हैं, और ड्राइनेस नहीं हो इसलिए हम लोग मिल्क लगा लेते हैं। एंड उसको थोड़ा सा कलर आने, अच्छा कलर भी आता है। तो अभी डाल के मैं ओवन को पहले से 200 डिग्री में सेट कर ली थी, प्रीहीट कर ली थी। तो अभी मैं 200 डिग्री में 15 से 17 मिनट तक पिज़्ज़ा को बेक कर लेंगे। आफ्टर 15 मिनट्स देखिए आपका पिज़्ज़ा अच्छे से बन के तैयार है। देखिए कीटो पिज़्ज़ा बन के तैयार है।
जब भी आप चीज़ बर्स पिज़्ज़ा बनाएं, आप ओवन पे बनाएं, अच्छा बनता है। देखिए मैंने कट कर लिया, देखिए कितने अच्छी तरह से, अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए नीचे भी कितने अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट है, ऊपर भी अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट है, तो अच्छी तरह से कीटो पिज़्ज़ा बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का रेसिपी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।